Welcome to Thalir Sanctum. Thalir means bud. We are Capuchin Franciscans, budding poor to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Thalir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.thalircenter.org. Contact us. Mail to thalir@gmail.com. Thank you. एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। जैसे ही वे यात्रा शुरू करने के लिए निकले, उन्होंने प्रत्येक शिष्य को एक विशाल क्रॉस दिया। गुरु ने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे यह विशाल क्रूस को उठाकर अपनी यात्रा शुरू करें। गुरु ने स्वयं एक बड़ा क्रूस उठाकर उनके सामने चलने लगे। शिष्यों के लिए चिलचिलाती धूप में भारी क्रूस उठाकर चलना बहुत ही कठिन था। उनके एक शिष्य वास्तव में उसका क्रूस उठाने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपने क्रूस का एक हिस्सा काट दिया। अब वजन कम हो गया था और वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, उसे अपना क्रूस बहुत भारी महसूस होने लगा। एक बार फिर उसने अपने क्रूस का कुछ हिस्सा काट दिया। अब क्रूस का वजन कम हो गया था और वह खुशी से आगे बढ़ने लगा। वह दूसरे शिष्यों का मजाक उड़ाने लगा जो भारी बोझ ढो रहे थे, लेकिन वे फिर भी अपना भारी बोझ उठाकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक हरा भरा चरागाह देखा। गुरु उन्हें उसी चरागाह की ओर ले जा रहे थे। सभी शिष्य बहुत खुश थे क्योंकि वे कुछ ही मिनटों में सुंदर चरागाह पर पहुंचने वाले थे। लेकिन चरागाह पर पहुंचने से पहले उन्हें एक खाई को पार करना था। गुरु के साथ साथ सभी शिष्य अपने क्रूस के सहायता से उस खाई को पार करके उस चरागाह पर पहुंच गए। लेकिन वह शिष्य जिसने अपना क्रूस काट कर छोटा कर दिया था, उसके लिए उस खाई को पार करना मुश्किल था। किसी न किसी रूप में हम सभी दुखों का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, बिना कठिनाइयां से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही हम आज के सुसमाचार में पाते हैं, जहां संत पेत्रुस यीशु को कष्ट ना उठाने की सलाह देते हैं। जब यीशु ने अपना मिशन शुरू किया, तो उसने 12 प्रेरितों को चुना ताकि वे पृथ्वी पर यीशु के मिशन को जारी रख सकें। उनके मिशन कार्य के दौरान यीशु ने असंख्य चमत्कार किए और शिष्य उन सभी चमत्कारों के प्रत्यक्ष गवाह थे। उन चमत्कारों को देखकर उन्हें यीशु के साथ रहना अच्छा लगा। उन्होंने यीशु को अंधों को दृष्टि देते हुए देखा था, अपंग और लंगड़ों को चलते हुए देखा था और मरे हुओं को जीवित होते देखा था। इसलिए वे यीशु को अपना स्वामी माना और सोचा कि यीशु जो राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, उसका अंत कभी नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु के राज्य में कोई दुख दर्द नहीं होगा।
बिना किसी कठिनाइयों से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे राज्य में सदस्य बनना कितना अच्छा हो सकता है। इसलिए यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि वे उनके बारे में क्या समझते हैं। यीशु अपने शिष्यों के मन के विचारों को भांप लिया था और वे जानते थे कि उनकी विश्वास बहुत कमजोर है। वे सोचते थे कि यीशु चमत्कार करने वाले गुरु हैं। संत पत्रुस का उत्तर, आप मसीह हैं। यह उसके अनुभव था क्योंकि उसने यीशु को चमत्कार करते हुए देखा था। इसलिए यीशु को उन्हें समझाना पड़ा कि वे इस दुनिया में क्यों आए थे। संत मार्कुस अपने सुसमाचार में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यीशु इस दुनिया में मानव बनकर क्यों आए थे। पापी मानव को पाप से उद्धार करने के लिए यीशु इस दुनिया में पीड़ा सहन करने आए थे। संत मार्कुस के सुसमाचार में यीशु अपने मृत्यु के बारे में 3 बार भविष्यवाणी करते हुए दिखाया गया है। यीशु पत्रस को मेरे पीछे हो जाओ शैतान कहकर डांटते हैं, क्योंकि यीशु उन्हें समझाना चाहते थे कि यीशु के बारे में उनकी धारणा कितना गलत है। इसलिए जब पत्रस ने आसान मार्ग चुना तो यीशु उन्हें डांट देते हैं। वह न केवल अपने शिष्यों को कहते हैं बल्कि उनके सभी अनुयायियों को सख्ती से कहते हैं कि यीशु के पीछे होना इतना सहज नहीं है। वे न केवल अपने शिष्यों को बल्कि सभी अनुयायियों को सख्ती से कहते हैं कि उन्हें बलिदान का मार्ग अपनाना होगा। इसी मार्ग से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आज का पहला पाठ भी इसी धारणा को रेखांकित करता है। और दूसरे पाठ में संत याकूब हमें अपने विश्वास को कार्यों के माध्यम से प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। बेशक अच्छाई करने पर हमें कभी कभी बुराई का सामना करना पड़ता है, इसीलिए यीशु को उसके भले कामों के लिए सूली पर चढ़ाया गया था, फिर भी उन्होंने भलाई करना नहीं छोड़ा। मरते हुए भी उन्होंने सबों को क्षमा करते हुए गए। मेरे प्रिय दोस्तों, बिना कष्ट उठाकर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यीशु के सच्चे शिष्य होने के लिए हमें अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ना होगा। यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें बलिदान करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। बलिदान कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने बुजुर्ग माता पिताओं को सेवा करके, पीड़ित और निराश भाई बहनों को सेवा करके हम अपनी खुशियों का कुर्बानी दे सकते हैं। क्या हम अपनी प्रतिष्ठा, पद, प्रसिद्धि को नकारने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य होने के लिए, यीशु के सच्चे अनुयायी होने के लिए हमें बलिदान और खुद को नकारने की ज़रूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपने प्रतिदिन के क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चले आएं।